10 मार्च को नतीजे खुलेंगे, बीजेपी कहाँ खड़ी होगी इस पर सबकी नज़रें। हालांकि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अभी हम यहाँ पर हमने देखा कि लखनऊ के सारे प्रत्याशी, लखनऊ में जितनी विधानसभा इकट्ठा हुए थे, ब्रजेश पाठक जी कैबिनेट मंत्री हैं। आप क्या देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो बता रहे हैं सरकार बन। मतगणना को लेकर के हम लोगों ने तैयारियाँ की हैं, एजेंट्स की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और एजेंट्स को हम लोग क्या कैसे वहाँ काम करना है उसकी ट्रेनिंग दिया है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि एक एक मशीन जब तक गिन न जाए तब तक हमारे मतगणना एजेंट काउंटिंग स्थल पर रहें और सकुशल संपन्न करा करके ही वहां से निकलें। अच्छा, काउंटिंग स्थल की सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कंसर्न जाहिर किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी कि वहां जैमर लगाया जाए, वहां पे गड़बड़ी हो सकती है। कहते हैं कि काउंटिंग स्थल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भारत निर्वाचन आयोग ने किए हैं और हम सबको लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। अभी आप देखेंगे 10 तारीख को जब परिणाम आएगा तो यही लोग कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करते हैं। लोकतंत्र में हमें भारत निर्वाचन आयोग को मानना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा, तभी ये लोकतंत्र और मजबूत हो पाएगा। एग्जिट पोल्स को लेकर के आप क्या कहेंगे, कितने सही हैं, आप लोग खुश हैं इससे? एग्जिट पोल को मैं सत्य के आप करीब मानता हूँ। आप देखेंगे जब काउंटिंग शुरू होगी 10 मार्च को 12 बजते हम लोग पुराने आंकड़े के आसपास होंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आपके घर के आसपास और आपके क्षेत्र में हमने देखा सेलिब्रेशन भी शुरू हो गया है। बहुत सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नता के साथ आकर के मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ब्रजेश पाठक जी थे। काउंटिंग के समय तैयारियां कैसी होंगी उसको लेकर के लखनऊ में भाजपा के जितने प्रत्याशी हैं 9 विधानसभा के, वो इकट्ठा हुए थे। एक रणनीति बनाई गई है ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर बीजेपी के जो अधिकृत एजेंट्स हैं वो रहें, काम करें और किसी भी गड़बड़ी को रोकें। कैमरामैन दिलीप के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।